गुड आफ्टरनून, आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। वेरी गुड। तो लास्ट क्लास से तो ये रिलेवेंट टॉपिक नहीं है मैट्रिक्स, ठीक है? मैट्रिक्स जो है अलजिब्रा का पार्ट है और इसका वेटेज डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो होता ही है, चाहे किसी भी टाइप का पेपर हो। डेफिनेटली मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, मतलब उससे ज्यादा भी होता, दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन भी जा सकता है। सो मतलब ये काफी आसान टॉपिक भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है? सो इजी एंड इम्पोर्टेंट के कैटेगरी में आता है ये। तो इस टॉपिक को एकदम अच्छे से पकड़ बना लेना, ठीक है? ये भी कॉनिक सेक्शन जैसा बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा सा मैनिपुलेशन कभी कभी होता है, बट बाकी केसेस में मैनिपुलेशन नहीं होता है। इस चैप्टर में है ना, इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ना है उस पर थोड़ा हम बात करेंगे। देखिए क्या इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो थोड़ा फोकस करेंगे, ठीक है? और मोस्टली आप लोग देखोगे कि ये डेफिनेशन बेस्ड होता है। पहला जो हम लोग को डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? दूसरा, इसको डिफाइन करने के बाद ना इसके टाइप्स पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डेफिनेशन के अंदर जो है ना अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स भी आ जाएगा, आपका एडिशन आ जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? ये सब डेफिनेशन के अंदर ही होता है। इसके अलावा भी टाइप्स पढ़ना है और टाइप्स के बाद आपको मैट्रिक्स ऑपरेशन पढ़ना है, ऑपरेशन ऑपरेशन रिलेटेड टू मैट्रिक्स। तुम्हारा इसमें आ जाएगा ट्रांसपोज, फिर आपका एडजॉइंट आ जाएगा, इनवर्स, इतनी ही चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद आपका मैट्रिक्स के अंदर ही डिटरमिनेंट्स आता है। सो ये डिटरमिनेंट ना ये बीच में ही कहीं पर आ जाएगा, ठीक है? इनवर्स से पहले मोस्टली डिटरमिनेंट आएगा आपका, फिर डिटरमिनेंट चैप्टर आ जाता है। और इस तरीके से आपका मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट खत्म हो जाता है। एंड देन आपका पांचवा नंबर टॉपिक जो है यूटिलिटी ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, जिसको हम लोग क्रैमर्स रूल कहते हैं। क्रैमर्स रूल, इन टॉपिक पर हम लोग को फोकस करना है। आप देखो इसमें टॉपिक का प्रोग्रेस कितना फास्ट होगा वो मैं बता रहा हूँ। डेफिनेशन कंप्लीटली जो होता है मैथमेटिकल डेफिनेशन है, जिसको आपको मग लेना है। डेफिनेशन का मतलब ये नहीं कि मैट्रिक्स किसको कहते हैं, मतलब मैट्रिक्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन किस तरह से किया जाता है ना, उसके प्रोसेस हम लोग को याद करने हैं। और टाइप्स तो कम्प्लीटली आपको पूरा मगिंग अप करना है, ठीक है? और ट्रांसपोज, इसमें एक और ट्रेस आप लिख लो ट्रांसपोज के अलावा, एक हम लोग ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट कई बार आ जाता है, ठीक है? सो ये जितने भी ट्रांसपोज एडजॉइंट इनवर्स ट्रेस ये सब हैं, ये सारी चीजें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेफिनेशन वाइज समझना होगा और फिर इनको ऑपरेट करना होगा। सो आज का क्लास जो है मोस्टली हम लोग मैक्सिमम जो है टाइप्स तक शायद कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं जा पाएंगे। फिर आगे के क्लासेस में ट्रांसपोज एडजॉइंट ये सब चलेंगे, ठीक है? सो हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए मैट्रिक्स होता क्या है, डेफिनेशन पार्ट। रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स।
ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे का मतलब क्या होता है? एरे एक तरह का ना अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट इन कॉलम एंड रो। अरेंजमेंट इन रोज एंड कॉलम्स, मतलब ये ऐसा टॉपिक है कि आप घर से पढ़ के लाओगे ना तो यहाँ पे लगेगा कि कुछ सीखने को नहीं मिला है, इस टाइप का टॉपिक है। सो आप लोग इसकी रीडिंग करके अगर आगे से लाओगे तो आपको फिर भी मैक्सिमम चीजें 80% चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी एक बार ही रीड करने से। स्टोरी की तरह रीड करना, उतने में ही हो जाता है। सो अरेंजमेंट इन रोज और एंड कॉलम्स हो गया। तो देखो मैट्रिक्स को किस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोशन जो इसको कैपिटल लेटर के थ्रू करते हैं। जैसे मान लो कि ए आपका मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इस ए मैट्रिक्स को हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म, जिसको आप एक्सप्लेंड फॉर्म कह सकते हो, कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ना हम लोग पोजीशंस लेते हैं। आपका रो नंबर वन हो गया, रो नंबर टू हो गया, रो नंबर थ्री हो गया, और इस तरह से कॉलम नंबर वन हो गया, कॉलम नंबर टू हो गया। इस तरह से हम सबसे पहले ना पोजीशन को डिवाइड कर रहे हैं, रो नंबर वन और कॉलम नंबर वन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक पोजीशन बना रहे हैं। फिर हम लोग रो नंबर वन में कॉलम नंबर टू के करस्पॉन्डिंग पोजीशन बना रहे हैं, उसी तरह से रो नंबर टू में कॉलम नंबर वन का एलिमेंट और यहाँ पे कॉलम नंबर टू का एलिमेंट रहेगा। इसी तरह से यहाँ पे इस तरह से ना वैकेंट मैट्रिक्स अभी आपका, इसमें अभी मैंने किसी भी नंबर को फीड नहीं किया, जस्ट इस तरह का मैट्रिक्स का लुक होगा। और ये जो सेल्स आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये सब बाउंड्री नहीं रहेगा, ये सब हटा दिया जाता है और सिर्फ नंबर हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। सो ये आपका मैट्रिक्स का आउटलुक हो गया, आउटलाइन हो गया। तो जैसे मेरा मैट्रिक्स मान के चलो कि एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे हम नंबर कुछ फिट कर लेते हैं, 2, 4, 9, 3, 4, 6, -1, π, 0, एनी टाइप ऑफ नंबर, ठीक है। आपका जो मैट्रिक्स होगा वो हो सकता है कि एक्स डिपेंडेंट हो, मतलब वेरिएबल नंबर भी हम लोग पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 1, 2, 3, -7, π, 6, एनीथिंग आप चाहो। तो यहाँ पे फंक्शन, वेरिएबल नंबर क्या एक तरह का फंक्शन ही होता है ना, सो हम लोग यहाँ पे फंक्शन को भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे साइन एक्स लिख सकते हो, 0, 0, cos x, इस तरह से। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एग्जाम्पल्स में काफी ज्यादा फ्रीडम दिख रहा है। अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स एक्स की बात करें, वाई की बात करें और जेड की बात करें और ए की बात करें, है ना, तो एक्स और वाई में दोनों में कितने एलिमेंट हैं? 9, 9 एलिमेंट है। एलिमेंट किसको कहा जा रहा है? एलिमेंट जो है आपको ये जो नंबर्स आप फीड कर रहे हो ना, या फिर वेरिएबल जो किसी एक लोकेशन पर फीड कर रहे हो, है ना, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? एलिमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप ए मैट्रिक्स में देखो तो देयर विल बी 6 एलिमेंट्स ओनली। अगर आप एक्स में देखो तो 9 एलिमेंट्स होंगे, वाई में देखो 9 एलिमेंट्स हो रहे हैं, ये एक सिंगल एलिमेंट है, ठीक है। और जेड में देखो तो आपका कितना एलिमेंट हो रहा है? 4 एलिमेंट हो रहा है। तो कई सारे मैट्रिक्स जो होते हैं, मतलब वो एलिमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कितने एलिमेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एलिमेंट का पोजीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एलिमेंट का पोजीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो हम लोग कर रहे हैं वो रो और कॉलम में है, तो किस रो और किस कॉलम में कौन सा एलिमेंट है वो ना मैटर करेगा। सो एलिमेंट कौन सा कहाँ पर है ना, उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और इस वजह से कई बार ना हम लोग मैट्रिक्स को जनरल तरीके से, ये जो ए मैट्रिक्स हमने दिखाया है, इसको शॉर्ट नोटेशन में हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं। देखो शॉर्ट नोटेशन, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए आई जे इस तरह से लिख देते हैं, और यहाँ पे ना कुछ एम बाई एन लिख देते हैं। एम बाई एन का मतलब क्या है कि एम रोज हैं और एन कॉलम्स हैं। एम और एन का इंपॉर्टेंस ऐसा नहीं कि रैंडम एम और एन लिखा गया है, एम आपका क्या है, वेयर एम इक्वल टू नंबर ऑफ रोज,
नंबर ऑफ रोज, और एन जो है आपका नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो इस मैट्रिक्स को हमने एम रोज और एन कॉलम में डिवाइड किया। मैट्रिक्स क्या एक तरह का स्पेस है, उस स्पेस को डिवाइड किया जा रहा है। जैसे सिनेमा थिएटर में आप जाते हो तो वहां पे चेयर्स लगाए जाते हैं ना, तो वो एक ऑर्डर में लगाया जाता है। जनरली आप देखोगे कि बैक टू बैक चेयर लगाए जाते हैं ना, तो उसी तरह से यहाँ पे है कि नंबर को एक फिक्स पोजीशन पे रखा जाता है। ये आईजे क्या है, ए आईजे क्या है? तो यहाँ पे ए आईजे जो होता है, ए आईजे इज एलिमेंट एट पोजीशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आईथ रो एंड जेथ कॉलम। ठीक है, मतलब आईथ रो और जेथ कॉलम जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वही मेरा क्या हो जाएगा, उस जगह के एलिमेंट को हम क्या नाम दे रहे हैं, ए आईजे नाम दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप ऊपर के स्ट्रक्चर में आपने ध्यान दिया होगा कि देखो मैं रो का काउंटिंग कहाँ से कर रहा हूँ, टॉप टू बॉटम कर रहा हूँ। सो रो का काउंटिंग ना टॉप टू बॉटम होता है, और कॉलम का काउंटिंग जो होता है वो लेफ्ट टू राइट काउंटिंग होता है। इसमें चेंजेस आप नहीं ला सकते हो, आप इसको ना कॉलम टू को कॉलम वन और कॉलम वन को कॉलम टू ऐसा नहीं कर सकते हो। सो मेथड क्या है मैट्रिक्स को के एलिमेंट का पोजिशन देने का, कि आप रो को टॉप टू बॉटम काउंट करो और कॉलम को आप लेफ्ट टू राइट काउंटिंग करो। तो इस तरह से क्लैरिटी रहता है ना, ये आपका रूल्स में रूल नंबर वन में रख सकते हो कि रूल ऑफ राइटिंग मैट्रिक्स हो गया, ये रूल है तुम्हारा। इस तरह से अब देखो एम बाई एन का जैसे ही मतलब हम लोग समझ लिए कि एम क्या है रो है और एन क्या है कॉलम है, तो आप एम बाई एन को ना एन बाई एम नहीं लिख सकते हो। दिस इज नॉट जस्ट सिंपल मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर डिनोट कर रहा है। ये जो एम बाई एन आया है ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। मतलब मैट्रिक्स में आपसे पूछा जाएगा कि ऑर्डर क्या है, तो आपको इसी स्टाइल में बताना है कि एम बाई एन ऑर्डर है। तो उससे क्या होता है ना, पता चलता है कितने कॉलम्स है कितने रोज हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर नंबर ऑफ रोज हुआ, सेकंड नंबर नंबर ऑफ कॉलम हुआ। सो जस्ट हम लोग एक मैट्रिक्स ना फॉर्म करेंगे। अभी तक जितना हमने सीखा है वो जनरल चीजें सीखी है ना, अब देखो एक मैट्रिक्स हम लोग फॉर्म करेंगे। राइट द मैट्रिक्स कैपिटल एक्स हुज विथ आईजे एलिमेंट डिफाइंड एज एक्स आई जे इक्वल टू आई माइनस टू जे डिवाइडेड बाई थ्री। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे आई जे एलिमेंट तो डिफाइन कर लिया है। ठीक है, मैं किसी भी आई और जे के लिए ना एलिमेंट का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, लेकिन ये ऑर्डर क्या मैट्रिक्स का, ऑर्डर तो दिया नहीं गया है ना। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं विथ आईजे एलिमेंट डिफाइंड एज इतना एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बीइंग टू बाई थ्री। ठीक है, टू बाई थ्री। सो यहां पे अगर टू बाई थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लोग को चाहिए, हम लोग एलिमेंट वाइज कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम लोग मेंटली कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देखो नंबर ऑफ रो क्या है,
नंबर ऑफ रो तुम्हारा टू है ना, सो टू का मतलब ये हो गया कि ये आपका काफी शॉर्ट है इस मामले में। वर्टिकल डायरेक्शन में दो ही रो चाहिए, रो नंबर वन और रो नंबर टू, ठीक है। और अगर हम कॉलम की बात करें तो नंबर ऑफ थ्री कॉलम है, तो कॉलम नंबर वन का एलिमेंट यहाँ पे दिखाई पड़ेगा आपको, कॉलम नंबर टू इधर दिखाई पड़ेगा, कॉलम नंबर थ्री आपको यहाँ पे दिखाई पड़ना चाहिए ना, स्क्वायर अरेंजमेंट, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला जो एलिमेंट है वो रो नंबर वन का एलिमेंट है और कॉलम नंबर वन का एलिमेंट है, इसका मतलब वन वन। रो के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, आई। आई जो है वो रो के करस्पॉन्डिंग होता है, जे जो होता है वो कॉलम के करस्पॉन्डिंग होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सो आई की जगह और जे की जगह, दोनों की जगह पर ना वन वन रखो, सो ये हो जाएगा वन माइनस टू अपॉन थ्री, दैट इज माइनस वन बाई थ्री। सो मेरा वन वन एलिमेंट हो गया माइनस वन बाई थ्री। इसको फर्स्ट एलिमेंट आप नहीं कह सकते, आप एलिमेंट का जब भी बोलोगे तो आई और जे दोनों को रिफर करके बोलना होगा, ठीक है। अगर हम रो नंबर वन और कॉलम नंबर सेकंड के एलिमेंट की बात करें तो वो एलिमेंट क्या दिखाई पड़ेगा हमें, आई की जगह पे वन रखना और जे की जगह पे टू, तो वन माइनस टू विच इज माइनस थ्री अपॉन इतना थ्री, तो ये हो जाएगा माइनस वन, क्लियर। सी थ्री अगर हम देखें, रो वन देखें, तो आई की जगह पे वन और जे की जगह पे थ्री विच इज माइनस फाइव बाई थ्री। ये देखो अच्छे से ध्यान से देखो, यहाँ पे आई हर एक जगह पर आई का वैल्यू क्या था, वन था, और ये देखो एपी में चल रहा है ना। रो टू में अगर हम चलते हैं तो आई की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, टू रखना पड़ेगा, सो टू माइनस कॉलम नंबर वन है, सो टू माइनस वन इंटू टू विच इज जीरो, सो ये कितना हो जाएगा मेरा, जीरो हो जाएगा इसका वैल्यू। सी टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप देखो आई की जगह पे वन रख रहे हो और जे की जगह पे टू रख रहे हो, सो वन टू रख रहे हो ना, आई की जगह पे टू रखना, रो नंबर टू में काम कर रहा है, सो टू माइनस फोर माइनस टू बाई थ्री, माइनस टू बाई थ्री आ गया। अब अगर हम यहाँ पे टू रखे यहाँ पे थ्री रखे तो ये माइनस फोर बाई थ्री बन रहा है, सो मेरा मैट्रिक्स ना तैयार हो गया, यही मेरा मैट्रिक्स, इसी मैट्रिक्स की हम लोग बात कर रहे थे। इसका मतलब अगर हम ये देखें ऑर्डर को देख करके हम ये पहचान सकते हैं कि वर्टिकली अगर हम एलिमेंट का किसी भी कॉलम में काउंटिंग करें तो कितना एलिमेंट मिलेगा, टू मिलेगा, और थ्री क्या है, अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हम करें किसी भी लाइन में तो थ्री एलिमेंट हमको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इसको जिस तरीके से आपको समझना है समझ सकते हो, लेकिन रो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल नंबर्स को एक ग्रुप में लेते हैं ना, एक लेवल पर जो हॉरिजॉन्टल नंबर होता है तो उसी को हम लोग रो नाम देते हैं, रो नंबर वन फिर रो नंबर टू। और अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में आप ऑब्जर्वेशन करते हो मैट्रिक्स का, तो हम लोग उस अरेंजमेंट में कॉलम के हिसाब से बात करते हैं। यहां तक सबको क्लियर है, यस सर। ठीक है। तो एक और मैट्रिक्स का फॉर्मेशन मुझे नहीं लगता कि जरूरत है ना। तो ये ऑर्डर आप देख करके पहचान गए हो कि मैट्रिक्स किस तरह से लिखना है। अब यहाँ पे ऑर्डर के हिसाब से ना मैट्रिक्स का कैटेगराइजेशन किया गया है, टाइप्स बेस्ड ऑन ऑर्डर, बेस्ड ऑन ऑर्डर, एकदम बेसिक टाइप है ये, ठीक है। देखो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म क्या मैट्राइसेस है, और स्क्वायर मैट्रिक्स क्लियर। अब देखो नॉन स्क्वायर क्या होता है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये आपको दिखाई पड़ रहा है रेक्टेंगल शेप में, है ना। अगर हम ऊपर के एग्जांपल्स को देखें तो वहां भी हमने काफी एग्जांपल्स लिया था, देखो एक्स और वाई को ये दोनों अगर सही ढंग से प्लॉट किया जाए ना तो ये स्क्वायर फॉर्मेट में दिखाई पड़ेगा, है ना। एक्स वाई ये स्क्वायर दोनों फॉर्मेट है, और जेड भी आपका क्या है, स्क्वायर फॉर्मेट है।
जबकि अगर हम ऊपर जो ए हमने दिखाया है तो इसका ऑर्डर जो है, देखो ऑर्डर क्या, ऊपर देखो आपका काउंटिंग ऊपर से नीचे ज्यादा है और लेफ्ट राइट कम काउंटिंग है, इसका मतलब ये क्या रेक्टेंगल है। सो हम लोग इस तरीके से ना नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स और मैट्राइसिस एंड स्क्वायर मैट्रिक्स में या मैट्राइसिस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। नॉन स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, नॉन स्क्वायर का मतलब हो गया कि इसका ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर इज एम बाई एन वेयर एम इज नॉट इक्वल टू एन, ठीक है। और यहां पे क्या है आपका स्क्वायर में कि ऑर्डर जो है इज एम बाई एन वेयर एम मस्ट बी इक्वल टू एन, वेयर एम मस्ट बी इक्वल टू एन। तो अब क्या है नॉन स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, प्रॉपर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपको दिखाई पड़ेगा, मतलब मैट्रिक्स का शेप अगर हम लोग देखें तो या तो वो लंबा दिखाई पड़ेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, या तो वो लंबा दिखाई पड़ेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जबकि स्क्वायर में क्या है कि आपका ना लंबा दिखाई पड़ेगा ना चौड़ा दिखाई पड़ेगा, बराबर मात्रा में होंगे, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर अरेंजमेंट है, हम लोग इसका नाम इसका ऑर्डर 2 बाई 2 लिख सकते हैं, 3 बाई 3 लिख सकते हैं, 4 बाई 4 लिख सकते हैं, वट एवर यू लाइक, ठीक है। बट यहाँ पे ऑर्डर अगर हम लिखना चाहे तो आप देखो तो ये किस टाइप का, ये तो लगता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में काउंटिंग ज्यादा है, इसका मतलब नंबर ऑफ रो क्या है इसमें ज्यादा है ना, तो ये 3 बाई 2 हो जाएगा, है ना। या फिर 4 बाई 3 लिख सकते हैं, या फिर हम 5 बाई 2 लिख सकते हैं, इस तरह का नंबर हो जाएगा ना। क्योंकि आप देखो वर्टिकल डायरेक्शन में काउंटिंग जब तक ज्यादा नहीं रहेगा तब तक ये वर्टिकल मैट्रिक्स कैसे दिखाई पड़ेगा हमको, इस वजह से हमने क्या लिखा कि ये सारे ऑर्डर पॉसिबल है इसमें। अगर हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की बात करें, अगर हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या दिखाएगा, 1 बाई 2 दिखाई पड़ सकता है आपको, 2 बाई 3 दिखाई पड़ सकता है, 1 बाई 3 दिखाई पड़ सकता है। और इस वजह से ना इनके नामकरण भी उसी तरीके से किए गए हैं। ये पहला जो कैटेगरी है आपका, इस कैटेगरी का नाम है वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है, और इस कैटेगरी का नाम है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, वर्टिकल मैट्रिक्स को किस तरह से डिफाइन कर पाएंगे हम लोग, क्या लिखना होगा इस केस में, आपका नंबर ऑफ रो क्या होगा, ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम होगा, नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। जबकि यहां पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रो जो होगा वो लेस देन हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम। तो अब क्या है, इनको याद ही तो करना है ना, याद करो या फिर एक आउटलुक से पहचान लो कि क्या हो रहा है। इस केस में क्या हो जाएगा, तुम्हारा ना ही वर्टिकल ना ही हॉरिजॉन्टल है या स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। तो ये बेसिक टाइप्स हैं, ये आपको कम से कम याद रखना पड़ेगा, क्लियर। अब देखो इसके बाद जो है, जैसे ही मैट्रिक्स का हमने बेसिक सारा क्लियर कर लिया कि इसमें एलिमेंट वगैरह होते हैं, ऑर्डर होते हैं, है ना, तो अब क्या करेंगे हम, दो मैट्रिक्स का ना इक्वलिटी करेंगे, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, इक्वल मैट्रिक्स,
इक्वल मैट्रिक्स का सीधा मतलब है टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ आई जे एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई जे एलिमेंट ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, आई जे एलिमेंट ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स फॉर ऑल आई जे पॉसिबल। यहां पे मैं पॉसिबल लिख रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कि ऑर्डर लिख रहा हूं, इसको थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए ऑर्डर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, देखो ऑर्डर के रिलेटिव मैं कैसे इसको डिफाइन करता हूं ऑर्डर वाइज। टू मैट्रिक्स ए एंड बी, अब यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर दोनों का लिखना पड़ेगा, है ना। टू मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर M1 by N1 एंड बी ऑफ ऑर्डर M2 by N2 आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ M1 equal to M2 equal to a common number m। सेकेंड कंडीशन N1 equal to N2 equal to N, दैट मीन्स देयर ऑर्डर, है ना। पहला ये दो जो हम लोग इतना एलोंगेटेड वर्जन लिख रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड मैनर में लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, सिंपली दैट इज ऑर्डर इज सेम, ऑर्डर ऑफ टू मैट्राइसेस मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग ये कह रहे हैं, ये ऊपर का डेफिनेशन आ जाएगा, ए आई जे मस्ट बी इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई जे, है ना, फॉर ऑल आई जे, वेयर आई का वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए, आई मस्ट बी इक्वल टू 1 2 3 से लेकर के एम तक, एंड जे मस्ट बिलोंग टू, या जे मस्ट एक वैल्यू इक्वल टू 1 2 से लेकर के कहां तक, एन तक। समझ गए, तो ये दोनों डेफिनेशन से ये क्लियर हो जाता है दोनों पॉइंट से कि मेरा मैट्रिक्स इक्वल हो गया है। इसका सेकंड पॉइंट को अगर हम लोग फिजिकली याद रखना चाहें तो हम लोग ये बोलेंगे ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। अब जैसे ही मैट्रिक्स का ये डेफिनेशन हम देख चुके हैं कि इक्वल मैट्रिक्स किसको कहा जाता है, अब हम लोग इसके बेसिस पर ना एक एग्जाम्पल कर सकते हैं। अगर दो मैट्रिक्स मेरा दिया हुआ है इस तरह से एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन टू वाई एंड जेड प्लस एक्स,
देन फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू वैल्यू। अब देखो क्या हम लोग को पहले ही ना इक्वल कर दिया गया, दो मैट्रिक्स बनाया गया और दोनों को इक्वल दिखाया गया, तो ये चाह करके भी ऑर्डर अलग अलग नहीं दिखा सकते हैं। हम लोग मैट्रिक्स का ऑर्डर पहचान सकते हैं, ये फर्स्ट मैट्रिक्स जो है आपका ऑर्डर कितना है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम रो कितना है, वन और टू, फर्स्ट रो सेकेंड रो, सो टू ऑर्डर है आपका रो वाइज, और कॉलम वाइज भी अगर देखे तो वन एंड टू है, सो ये टू बाई टू मैट्रिक्स, और ये भी कितना मैट्रिक्स है, टू बाई टू मैट्रिक्स है, मतलब ऑर्डर वाइज तो सेम है। तो अगर इक्वलिटी दिखाया हुआ है तो बाय डेफिनेशन हम क्या कहेंगे कि रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, दैट इज बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एक्स मस्ट बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई मस्ट बी इक्वल टू एक्स माइनस वन, एंड जेड मस्ट बी इक्वल टू टू वाई, और इस तरह से डब्ल्यू जो है वो आपका जेड प्लस एक्स हो जाएगा। तो हमें चूंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐड करना है, सो हम सबसे पहले ऐड कर लेंगे, देयरफॉर एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितने के बराबर हो जाएगा। तो अब देखो तो थोड़ा एक्स की जगह पर क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर आना चाहिए, फिर आपका वाई की जगह पे एक्स माइनस वन आना चाहिए, जेड की जगह पर टू वाई है मतलब टू टाइम्स एक्स माइनस वन आना चाहिए, और डब्ल्यू की जगह पर जेड जो कि टू टाइम्स वाई है तो टू टाइम्स एक्स माइनस वन जो कि वाई है टू वाई है ना, और एक्स की जगह पर क्या आना चाहिए एक्स, ये एक्स क्या है बेसिकली एक्स स्क्वायर ही है ना, सो एक्स स्क्वायर आना चाहिए। अगर हम एक्स लिखेंगे तो प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं जस्ट अभी ना सबको एक्स स्क्वायर या एक्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब देखो क्या, दो एक्स स्क्वायर आ गया, सो टू एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस वन कितना आ गया, फाइव टाइम्स आ गया, सो फाइव टाइम्स एक्स माइनस वन, और बाकी आपका कुछ नहीं है, सो टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव, अब अगर इसकी इवेल्युएशन हम करना चाहे है ना कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का इवेल्युएशन क्या होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, एक्स का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। सो अब हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, नाउ सिंस एक्स इज बीइंग इक्वल टू इट्स स्क्वायर, हेंस एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, एट ए टाइम या तो जीरो होगा या फिर वन होगा, यही दो केसेस हैं आपके, ठीक है। सो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, एक्स की जगह पर जीरो रख ले तो ये जीरो तो बेसिकली ये माइनस फाइव के इक्वल होगा। अगर आप एक्स की जगह पे दूसरी नंबर लेते हैं, दूसरी वैल्यू एक्स की वन आ रही है, सो उस समय आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो वन रख लो, सो वन पे ये देखो कैंसिल आउट होगा, फाइव इंटू वन माइनस फाइव ये जीरो और ये टू बन गया, सो ये टू हो गया, ठीक है। तो ये आपका पॉसिबिलिटी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का। इस तरह से इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स करके हम लोग काफी आसानी से ना काफी सारे काम्स निकाल लेते हैं, बराबर। अब देखो जैसे ही हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स सीख चुके हैं, अब हम लोग मैट्रिक्स में कुछ ऑपरेशंस अलजेब्रा अप्लाई करेंगे, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ
मैट्राइसेस। ये सब सब डेफिनेशन का ही पार्ट है, ठीक है। ऐसे आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ोगे, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन किया जाएगा, इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन किया जाएगा, फिर उसका अलजेब्रा बताया जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स है। सो सबसे पहले हम ना मैट्रिक्स में पहला ऑपरेशन सीखेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स को कब ऐड कर सकते हैं और उसके क्या नियम और कानून, ठीक है। सो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देखो कैसे डिफाइन किया गया है। सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिक्स हैविंग आइडेंटिकल ऑर्डर। कल ऑर्डर देन ए एंड बी आर से टू बी कंफर्मेबल फॉर एडिशन। एंड ए प्लस बी इज अ न्यू मैट्रिक्स सी, ठीक है, ऑफ द सेम ऑर्डर। ए प्लस बी इज अ न्यू मैट्रिक्स सी एंड ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ सी। मतलब ऐड करने का देखो सबसे पहले अभी तरीका बता रहा है कि आपको ए और बी दोनों क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर का होना चाहिए, तब जाकर के ए और बी का नाम दिया जाता कि ए और बी जो है कंफर्मेबल फॉर एडिशन, मतलब एडिशन उनका कर सकते हैं। और ए और बी को ऐड करने पे मिलता क्या है, तो ए और बी को ऐड करने से भी एक मैट्रिक्स ही मिलता है जहां पे ऑर्डर ऑफ सी जो है वो आइडेंटिकल है ऑर्डर ऑफ ए और बी के, ठीक है। तो ये तो ऑर्डर वाली बात होगी, मतलब हम 2x2 मैट्रिक्स को अगर ऐड करेंगे, अगर हम 2x2 मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2x2 के साथ ही ऐड कर सकते हैं, किसी और के साथ नहीं। तो ये मीनिंगफुल है, ठीक है। अगर हम एक मैट्रिक्स 2x2 ले रहे हैं और एक मैट्रिक्स 2x1 ले रहे हैं, ऑर्डर वाइज में दिखा रहा हूं, तो ये मीनिंगलेस है। ये मीनिंगलेस है, मतलब लाइक मैट्रिक्स कैन बी एडेड, बेसिकली वही बात है। अगर दो लाइक मैट्रिक्स है तब जाकर के उनको हम लोग ऐड कर सकते हैं और लाइक मैट्रिक्स ही मिलेगा। अब इसके एलिमेंट किस तरह से होंगे, सो एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। वेयर सी आई जे, मतलब सी का आई जे एलिमेंट जो है वो मस्ट बी इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे। मतलब आई जे एलिमेंट को ऐड करने से ही आई जे एलिमेंट मिलता है। देखो कितना आसान हो गया काम करना। टू थ्री माइनस फोर सिक्स जीरो वन, क्या इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हैं आप लोग? फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर
कितने रो है? थ्री रोज है और टू कॉलम्स है, तो ये हो जाएगा 3/2, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे कोई एक मैट्रिक्स लेता हूँ, 0 0 0 0 0 0, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2/3 है फिलहाल। तो क्या ये मीनिंगफुल एक्सप्रेशन है मैथमेटिकली? इसको मीनिंगफुल नहीं मानेंगे, नॉट अ मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। ये मीनिंगफुल नहीं है, मीनिंगलेस। ठीक है, अगर हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं मीनिंगफुल के लिए, तो 2 3 -4 6 और 0 1, अगर हम सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं, -1 2 0 -1 -1 और 0, अब देखो दोनों का ऑर्डर सेम हो गया है, ये भी 3/2, ये भी 3/2। अब इनको ऐड किया जा सकता है, ये मीनिंगफुल है, और इनका एडिशन भी एक मैट्रिक्स मिलेगा, और वो भी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होगा? 3/2 ऑर्डर का होगा। और ये जो आपका बेबी मैट्रिक्स है, जो न्यू ऑफस्प्रिंग मैट्रिक्स है, उस ऑफस्प्रिंग मैट्रिक्स में आपका जो एलिमेंट है, जैसे 1 1 एलिमेंट है, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, मतलब 1 1 एलिमेंट जो है वो 1 1 को ऐड करने से ही मिलेगा। सो ये ऐड करने पे कितना आ रहा? 1 आ रहा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 और 2 ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, फिर आप -4 और 0 ऐड करोगे तो -4 हो जाएगा, 6 और -1 ऐड करेंगे तो -1 होगा, तो ये भी 5 हो गया अगेन, और यहाँ पे 0 ये हो गया -1, और ये हो गया आपका 1। ठीक है, इस तरह से एडिशन काफी ज्यादा आसान। क्लियर। अब एडिशन में एक अच्छी बात क्या है, कि अगर हम कोई ए मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक है, और इसमें हम एक्स मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं, तो फिर भी हमें ए मैट्रिक्स मिल रहा है। लेट अस डिसाइड सम ऑर्डर, है ना, एम बाई एन ऑर्डर है, तो हम एम एन लिख देते हैं यहाँ, ये भी एम एन है, ये भी एम एन है, और ये भी एम एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सो दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं, मतलब ए में अगर एक्स मैट्रिक्स हम ऐड कर रहे हैं तो भी हमें ए मैट्रिक्स मिल रहा है। ठीक है, सो एक्स के पास कौन कौन सा कैसा एलिमेंट होगा, एक्स के पास किस तरह की एलिमेंट होगी, सच दैट एडिशन में आपका जो है एडेंट वो रिटेन कर गया। एक्स के पास क्या क्या एलिमेंट होना चाहिए? जीरो इज द ओनली पॉसिबिलिटी, राइट, है ना। सो हम लोग ये कहेंगे कि एक्स जो है आपका, इसका एक्सप्लेन्ड फॉर्म जो होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ 0 दिखाई पड़ेंगे, है ना, और ये m बाई n मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट 0 हो, उस मैट्रिक्स को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अ मैट्रिक्स सी इज एडिटिव आइडेंटिटी इफ ए प्लस सी इज इक्वल टू ए,
क्या ऐसा मैट्रिक्स में हमेशा होगा कि एक कोई पर्टिकुलर सी मैट्रिक्स हम लेंगे और वो किसी भी मैट्रिक्स में ऐड हो करके वो ए ही जनरेट करेगा? ऐसा संभव नहीं होता। सो एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो ऑर्डर वाइज डिफाइन किया जाता है, मतलब किसी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी हम लोग डिफाइन करते हैं। सो लेट अस से सी जो एडिटिव आइडेंटिटी है इसका ऑर्डर हम एम बाई एन ले लिया। सो एडिटिव आइडेंटिटी है ना, इफ ए भी आपका एम बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सी तो दिया हुआ ही है एम बाई एन का, और वो प्रोडक्शन भी ए का ही कर रहा है एम बाई एन ऑर्डर का, तब जा करके हम लोग सी को क्या कह रहे हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कह रहे हैं। ये सी क्या हो गया आपका, एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। ये नाम आप लोग याद रखोगे, ये एलजिब्रा में नाम आता है ना, ये एडिटिव आइडेंटिटी। और ऐसे केस में सी को हम लोग मतलब एक एक स्पेशल नाम भी दे सकते हैं, वो है जीरो मैट्रिक्स। सो हम एक नया टर्म यहाँ पे लिख रहे हैं, जीरो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एलिमेंट्स एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो, ठीक है, उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स का कुछ अदर नेम्स भी है, इसको नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है, वॉइड मैट्रिक्स भी कहा जाता है, एम्प्टी मैट्रिक्स इसको नहीं कहा, ठीक है, नल मैट्रिक्स, वॉइड मैट्रिक्स इस तरह से, या फिर जीरो मैट्रिक्स। सबसे बेटर नेम है इसका जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, ठीक है। सो नल मैट्रिक्स आप नाम याद रखोगे या फिर जीरो मैट्रिक्स नाम याद रखोगे, वो ज्यादा बेटर है। अब जीरो मैट्रिक्स का भी टाइप है ना, बेसिकली जीरो मैट्रिक्स को ऑर्डर से डिफाइन किया गया है, किस ऑर्डर का, मतलब जीरो मैट्रिक्स डिफरेंट वैरायटी में अवेलेबल है। जीरो क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया, और ऑर्डर क्या हो गया, उसका पर्टिकुलर नेम हो गया, है ना। सो जीरो मैट्रिक्स कितने तरह से दिखाई पड़ सकता है, अगर हम वन बाई वन मैट्रिक्स अगर ले तो हमें एक ही जीरो दिखाई पड़ेगा इसमें। वन बाई टू मैट्रिक्स ले तो यहाँ पे एक जीरो और दूसरा जीरो हो जाएगा, अगर हम 2 by 1 मैट्रिक्स ले तो जीरो जीरो दिखाई पड़ेगा। इस तरह से सारे के सारे ये जीरो मैट्रिक्स के कैटेगरी में आते हैं, और ये अपने ऑर्डर में एडिटिव आइडेंटिटी का काम करते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करें एडिटिव इनवर्स का, एडिटिव इनवर्स, क्या होता है फॉर अ मैट्रिक्स ए, एक्स इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स इनवर्स इफ ए प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। अब यहाँ पे एडिशन चल रहा है, इसका मतलब ऑर्डर तो सेम रखना होगा, है ना। सो वो हिडन मीनिंग हो गया, बट हिडन मीनिंग को हम फिर भी बार बार दोहराते रहेंगे। सो ए प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ए का मान जो है -2 है, 3 है, -1, 0, -2 एंड 4, सो ए का ऑर्डर कितना हो गया, ए का ऑर्डर हम लोग देख सकते हैं 2 by 3 ऑर्डर,
राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स ऑफ ए, सो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए हम लोग यहाँ पे गैस कर सकते हैं, राइट। इसीलिए मैंने वैसे नहीं दिया फाइंड वगैरह, आप गैस कर सकते हो। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए जो है हम लोग सपोज कर सकते हैं, लेट एक्स बी एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, दैट मीन्स ए प्लस एक्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। एक्स के पास ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट होगा जिससे कि ए प्लस एक्स का समेशन जीरो के बराबर हो जाए। सो ये फर्स्ट वाला पोजीशन पर कितना आना चाहिए, टू आना चाहिए ना, ताकि टू और माइनस टू जीरो बन जाए। सो ये टू होना चाहिए, फिर इस पोजीशन पे माइनस थ्री होना चाहिए और माइनस टू तो यहाँ पे प्लस टू होना चाहिए, फिर ये आपका प्लस वन होना चाहिए, ये आपका जीरो का जीरो ही रहना चाहिए और ये माइनस फोर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम एडिटिव इनवर्स जो है ए का लिख पा रहे हैं, ठीक है। अब इस एडिटिव इनवर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ना एक नया सिंबल दिया गया, ताकि लगे कि हम लोग एलजिब्रा ही पढ़ रहे हैं, कुछ नई चीजें नहीं पढ़ रहे हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय निगेटिव मैट्रिक्स ए, निगेटिव ऑफ ए, इसको निगेटिव ऑफ ए से दिखाते हैं हम लोग। या कहीं पे आप निगेटिव ऑफ ए बोलोगे तो उसका मतलब ये है कि एडिटिव इनवर्स आप लिख रहे हो, समझ गए। तो उसको हम लोग क्या दिखाते हैं, माइनस ए से, दैट इज ये जो एक्स मैट्रिक्स है इसको माइनस ए से दिखाते हैं, है ना। मतलब ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। अगर हम लोग जनरल एलजिब्रा से चले तो आप कहोगे कि सर ये प्लस और माइनस मिलकर का माइनस क्यों नहीं बन सकता है, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे बताया गया सिंबल जो है वो वैलिड है, वो सिंबल जो है ना प्लस और माइनस मिलकर के माइनस बनाएगा वो सिंबल यहाँ पे वैलिड है। तो इसको हम अदर फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, प्लस माइनस को मिला करके माइनस भी लिखते हैं और यहाँ पे जीरो करते हैं। और यही सबसे हम लोग को ना मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, मैट्रिक्स में हम लोग किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लस इंटू माइनस वन जो है ये नंबर मल्टीप्लीकेशन ही होता है, ठीक है। प्लस वन इंटू माइनस वन इक्वल टू माइनस वन, सो माइनस वन, तो यहीं से आपका सब्ट्रैक्शन शुरू होता है। मतलब सब्ट्रैक्शन का भी मीनिंग उतना ही क्लियर है जितना आपका एडिशन का है, ठीक है। तो जिस तरह से हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, अभी हमने एडिटिव इनवर्स देखा, हमने बाकी मैट्रिक्स को ऐड नहीं किया अभी, तो हम लोग ऐसा करते हैं ना, बाकी मैट्रिक्स को ऐड कर देखते हैं, ऐड करके। एडिशन कोई बड़ी बात नहीं है ना, अगर आपका ए मैट्रिक्स है टू माइनस वन जीरो, बी मैट्रिक्स है फोर सिक्स एक्स और नाइन, और सी मैट्रिक्स है टू जेड डब्ल्यू नाइन पी, ठीक है। इफ ए प्लस बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स, देन फाइंड रिमाइंडर
रिमाइंडर ऑब्टेंड व्हेन मॉडुलस जेड की पावर मॉडुलस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय मॉडुलस टी। अब देखो क्वेश्चन को मैं सेफ साइड रखने के लिए ना मॉडुलस यहां पर लगाया हूं, क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है, मतलब यूजुअल अप्रोच लेंगे आप लोग। तो ए और बी को ऐड करने से हम लोग को क्या मिल रहा है, सी मैट्रिक्स मिल रहा है। सो ए की जगह पे हम लिखेंगे 2 -1 -1 और 0 और यहाँ पे 4 6 x और 9 इक्वल टू 2z w 9 और t। सो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे जेड डब्ल्यू और p से मतलब है और x से कोई मतलब नहीं है। तो x की जगह पर क्या आता है नहीं आता उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन हम 2z की बात क्या करेंगे, 2z मस्ट बी इक्वल टू समेशन ऑफ 2 and 4। सो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी और w की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है और p की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है आपका 9। सो इनका मॉडुलस ये ऑलरेडी पॉजिटिव है सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग ये देखेंगे कि अगर z पे पावर w को 9 से डिवाइड करें तब क्या रिमाइंडर मिलेगा, है ना। सो नाउ z की पावर w जो है आपका 3 की पावर 5 है और इसी को हम लोग डिवाइड करना है, इसलिए रिमाइंडर कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर जीरो के बराबर हो जाएगा। एक मिनट रुको, हेलो कनेक्ट कर, ये बार हमारा घर तो सांझ उनको 4 बजे 4-5 बजे। हाँ चल जाओ ना को लगा दियो चार्ज में। सो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इस केस में। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स से कोई मतलब नहीं है, वैसे आपसे अगर एक्स कोई पूछता है ना तो एक्स फाइंड कर सकते हो आप, एक्स की वैल्यू क्या होगी अगर आपसे पूछा जाए, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 10 हो जाएगी, है ना, सिंपल इक्वेशन। इसलिए एडिशन काफी ज्यादा सिंपल केस। अब देखो क्या है कि जनरली हम लोग एलजेब्रा में क्या सीखते हैं कि लाइक चीजों को ऐड करने से ना उनके ट्वाइस का जनरेशन होता है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा एडिशन की प्रॉपर्टी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो पहला प्रॉपर्टी ये है कि ए प्लस बी मैट्रिक्स जो होता है आप बी प्लस ए भी लिख सकते हो उसको। ठीक है, ये आपका कॉम्यूटेटिव लॉ हुआ। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो ए प्लस बी को एसोसिएट करके देन हम लोग सी में ऐड करेंगे तो इक्वेलेंट रिजल्ट मिलेगा। तीसरी प्रॉपर्टी सिंपली ये है कि ए प्लस निगेटिव ऑफ ए जो होता है ना ये जीरो मैट्रिक्स होता है उसी ऑर्डर का, और ए में अगर जीरो हम ऐड कर दें सो ये मेरा क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स ही मिल जाएगा। ठीक है, और इससे मोर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या था, डिफाइन किए थे हम लोग एडिशन को जब
वो क्लोजर प्रॉपर्टी था जिसका नाम हमने नहीं लिया था कि दो मैट्रिक्स को ऐड करने पे भी मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टीज आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा ना आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब हुआ कि अगर हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं ए, है ना, लेट अस से 2 है, 0 है, माइनस 1 है, 3 है, 4 है, 6, और हम ए में ए को ऐड करना चाहे तब क्या रिजल्ट मिलेगा? अगर हम ए प्लस ए ऐड करना चाहे तो हम लोग को सिंपली ना इस मेंबर का ट्वाइस मिल जाएगा, इसका 0 और इसका क्या हो जाएगा, माइनस 2, 6, 8 और 12 मिल जाएगा। सो आप ये देख रहे हो कि हर एक एलिमेंट ना ट्वाइस हो रहा, ए प्लस ए, इसको हम लोग एलजिब्रा में क्या लिखते हैं, 2 times ए लिखते हैं ना, तो यहाँ पे भी हम लोग इसको 2 times ए लिखते हैं, समझ गया। और इसी फैशन की वजह से, इसी पैटर्न की वजह से हम लोग क्या करते हैं ना, स्केलर मल्टीपल को डिफाइन करते हैं, ठीक है। फॉर एनी मैट्रिक्स, फॉर एनी मैट्रिक्स ए, ए आई जे, अब एनी मैट्रिक्स में डिफाइन कर रहा हूं, सो मैं ऑर्डर नहीं लिख रहा हूं, वैसे लिखना चाहिए, लिख ही लेता हूं, है ना, एम बाई एन के टाइम्स ए, जहां पर के एक स्केलर नंबर है, इज गिवन बाय के इनटू ए आई जे एम बाई एन, वेयर के इज अ स्केलर नंबर, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे अगर मेरा मैट्रिक्स है ए 2, 3, -4, ठीक है, तो अगर हम इसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लाइक 3/2 ही मल्टीप्लाई कर दें, तो ये अलाउड है, ठीक है। और ये मल्टीप्लीकेशन को कैसे दिखाना होगा, हर एक एलिमेंट को ना 3/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो फर्स्ट एलिमेंट 3 के बराबर होगा, सेकंड एलिमेंट 9/2 के बराबर होगा, और थर्ड एलिमेंट आपका कितना हो जाएगा, -6 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम हर एक एलिमेंट को देखो, डिनोशन शॉर्ट फॉर्म में लिख लिए कि आईजे एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई कर देना, समझ गया। तो ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन हुआ। अब आप देख सकते हो कि 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो स्केलर मल्टीप्लीकेशन की जो प्रॉपर्टी है वो सिंपली हम प्रॉपर्टी को नोट कर रहे हैं, K times अगर B मैट्रिक्स होता है तो आप ना नंबर को कॉमन कर सकते, ठीक है। सेकंड, अगर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि A प्लस के टाइम्स बी प्लस एम टाइम्स सी, पहले आप इनको ऐड कर रहे हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे दोनों को सेम रखा है मैंने, के टाइम्स ए प्लस बी करके आप एम टाइम्स सी भी लिख सकते हो, और ये पहला क्या डिनोट कर रहा है कि आप के कॉमन कर सकते हो और ये सेम नंबर जो है लिखे जा सकते हैं।
ये दोनों प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे, बेसिकली फर्स्ट प्रॉपर्टी मोर इम्पोर्टेंट है, सेकंड तो आप पहले ही पढ़ चुके थे, ठीक है। और के नंबर मल्टीप्लाई करने से भी हमें क्या मिल रहा है, फिर भी मैट्रिक्स ही मिल रहा है और सेम ऑर्डर का मिल रहा है, ये अच्छी बात है ना। तो ये आपका स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स पर ध्यान देंगे, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, देखिए दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब करना है, कैसे करना है ना, उन चीजों पर थोड़ा फोकस करेंगे। सो प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस आर डिफाइंड ना, ए इंटू बी, ए इंटू बी इज मीनिंगफुल, ए इंटू बी इज मीनिंगफुल इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ ए एम बाई पी है एंड ऑर्डर ऑफ बी पी बाई एन। देखो किस तरह से मीनिंगफुल बना गया, ए इंटू बी मतलब ए इज पोस्ट मल्टीप्लाइड बाई बी और बी इज प्री मल्टीप्लाइड बाई ए, ठीक है, इज मीनिंगफुल इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ ए एम बाई पी है और ऑर्डर ऑफ बी पी बाई एन। अगर ये ऑर्डर इस टाइप से डिफाइन नहीं किया जाए तो ए इंटू बी है ना, ये मीनिंगफुल नहीं, इस बात को ध्यान में रखें, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट को सॉलिड कर देता हूँ, ये ए पॉइंट नहीं है, मतलब ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डेफिनेशन बताया जा रहा है आपको, ठीक है। अब इसी देखो ये तो अभी मीनिंगफुल की बात हुई है, तो आप मीनिंगफुल पर थोड़े से छोटे से क्वेश्चन हम कर लेते हैं। व्हिच ऑफ द बिलो आर मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन, इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन जो है मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट में मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन सेलेक्ट करना। सो अगर हम ध्यान से डेफिनेशन को देखें तो इनका कहना है ना कि फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का जो सेकंड नंबर है और सेकंड वाली मैट्रिक्स का जो फर्स्ट नंबर, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, है ना। सो यहाँ पर देखो 3 और 3 है, ये ओके है, यहाँ पर 2 और 2 है, ये अच्छा, ये 2 तो उधर है
वो टू नहीं चाहिए हमें, हमें वन पे फोकस करना था फर्स्ट नंबर पे, ये ओके नहीं है, है ना, तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पे टू और टू है तो ये ओके है, बिल्कुल चलेगा। यहाँ पे आपका टू और टू है, ये भी चल जाएगा। मतलब क्या है कि आपका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, समझ गया। तो इस तरीके से आपका ये सब मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन है। और ए इंटू बी को ना हम लोग, ए इंटू बी को हम लोग शॉर्टली इंटू साइन हटा देते हैं, ऑर्डर में लिखते हैं। अगर ए इंटू बी को हम ए बी लिखते हैं, है ना, वैसे ही हम बी इंटू ए को अगर ये डिफाइंड होगा तो हम बी ए लिखेंगे। क्लियर? इफ बोथ आर डिफाइंड, इफ ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, डिफाइंड और मीनिंगफुल, देन What can we say about order of A and B? Order of A and B. क्या कह सकते हैं A और B के order के बारे में? अगर A B और B A दोनों defined है, हम ए बी, ए और बी के ऑर्डर के बारे में क्या कह सकते हैं? सो लेट ऑर्डर ऑफ ए एम बाई एन है, ऑर्डर ऑफ बी आर बाई एस, ठीक है, एस ए बी इज डिफाइंड, है ना। सो हम यहां पे ए लिख रहे हैं और यहां पे बी लिख रहे हैं, तो यहां से क्या क्लेम करोगे आप कि एन मस्ट बी इक्वल टू आर, ये ना क्लेम करेंगे एन मस्ट बी इक्वल टू आर। कंक्लूजन यहां से क्या मिला, एन इक्वल टू आर, इसका सेकेंड नंबर इसका फर्स्ट नंबर ये दोनों बराबर हो जाएगा। बढ़िया बात है, अच्छी बात है। अब मेरा बी ए भी तो डिफाइंड है, एस बी ए इज डिफाइंड, तो हम क्या करेंगे, पहले बी को लिखेंगे, तो बी का ऑर्डर क्या आर बाई एस है और ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर हो गया आपका एम बाई एन। तो यहां पे अगर हम क्लेम करने की कोशिश करें तो एस जो होगा वो एम के इक्वल होना चाहिए, है ना, इंप्लाइज दैट एस इक्वल टू एन, ये नहीं लिख सकते हैं। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं ए बी, ए और बी के ऑर्डर के बारे में क्या कह सकते हैं, ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रो और कॉलम होता है। तो यहां पे सीधी बात ये है कि एन इक्वल टू आर को अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम of A is equal to number of rows
of B1. Similarly, number of यहाँ पे S और M, M क्या number of रोज ऑफ ए हुआ ना, नंबर ऑफ रोज ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि ए और बी इस तरह से रिलेटेड हैं कि एक में जितना नंबर ऑफ रो है दूसरे में उतना नंबर ऑफ कॉलम है। नंबर ऑफ रोज इन इन वन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ अदर। इतना ही कह सकते हैं और थोड़े में कुछ कह सकते हैं और हमारे पास कुछ अधिकार नहीं है कुछ कहने का, समझ गए। सो ये चीज है। अब प्रोडक्ट करते कैसे हैं, किस तरह से इनकी प्रोडक्ट लिखी जाती है, तो यहां पे प्रोडक्ट करने के लिए ना मैं एक ऑर्डर सपोज कर लेता हूं, लेट ए एम बाय पी ऑर्डर का है एंड बी जो है आपका पी बाय एन ऑर्डर का। लेट ए एंड बी बी टू मैट्राइसेस सच दैट ए बी ही डिफाइन कर सकते हैं। यहां पे आप ध्यान दो, बी ए डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सच दैट ए बी को हम क्या कह रहे हैं, ए बी का नाम हम सी दे रहे हैं। तो ए और बी इस तरह का मैट्रिक्स है कि उनका नाम हम क्या दे रहे हैं, सी दे रहे हैं। तो सी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, एक ऑर्डर है एम बाय पी, इसका है पी बाय एन, पी खत्म, तो सी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, एम बाय एन हो जाएगा। अब देखो मैट्रिक्स प्रोडक्ट कर रहे हैं, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो तीनों मैट्रिक्स का भी ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि प्रोडक्ट वाला मैट्रिक्स जो है दोनों में से किसी एक के बराबर आ जाए ऑर्डर में, और कई बार तीनों का ऑर्डर अलग भी हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे हम किस तरह से प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे, क्योंकि इसका भी एलिमेंट है इसका भी एलिमेंट है, तो इसका एलिमेंट किस तरह से डिफाइन किया गया है। सो देखिए हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। वेयर Cij एलिमेंट जो है उसको सिग्मा के फॉर्म में डिफाइन किया गया, उसको सिग्मा के फॉर्म में डिफाइन किया गया, ठीक है। तो सिग्मा के फॉर्म में कैसे डिफाइन किया गया है, तो हम लोग लिखते हैं ए आई के टाइम्स बी के यहाँ पे पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन बी के जे में लिख रहा हूं। और यहाँ पे के वेरिएबल होता है आपका, के का वैल्यू जो होता है वो वन से लेकर के पी तक चला जाएगा। इस तरह से सी आई जे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये डॉट हटा दें, समझ गया, इस तरह से आपका सी आई जे डिफाइन किया जाता है। अब ये मीनिंग बहुत अच्छा नहीं था, इतना कॉम्प्लेक्स है तो फर्स्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं ना,
इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ये फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो इसको हम लोग ना एग्जाम्पल से हैंडल करेंगे। सो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर मेरा कितना हो गया, 2/3 हो गया। अगर बी हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो बी का ऑर्डर कितना हो गया मेरा, 3/2 है ना। मैं लिखूंगा फाइंड ए बी, ए बी फाइंड करना। सो हम लोग ये सपोज कर लेंगे कि आपका ए बी का को मैट्रिक्स का ना सी नाम दिया गया, तो सी आई जे का डेफिनेशन तो हमको पता है, ये तो सिग्मा स्ट्रक्चर में होता है, और सिग्मा का वैल्यू जो है आपका यहाँ पे एक एलिमेंट में आई पी आई के लिख रहे थे ना हम लोग, के लिख रहे थे, सो के लिखते हैं। बी के जे एलिमेंट, और k का वैल्यू 1 से लेकर के आप कहां तक ले जा रहे हो, p तक। यहां पे देखो आपका फर्स्ट p क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 3 है, सो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये देखो ij, किसी भी ij एलिमेंट को डिफाइन कर रहा है। अगर हम i और j का वैल्यू अलग अलग कर ले तब हमको थोड़ा आसान पड़ेगा। लेट अस से कि C11 डिफाइन कर रहे हैं, क्या जाएगा, k इक्वल टू 1 से लेकर के 3, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, बट यहाँ पे हम लिखेंगे 1k और b k1, ठीक है। अब देखो तो a 1k यहाँ पे चेंज हो रहा, मतलब 1 1 1 2 1 3 इस तरह से आ रहा, और उसके प्रोडक्ट में साइमल्टेनियसली मतलब b 1 1 आएगा, फिर 2 1 आएगा, फिर 3 1 आएगा, इस तरह से आ रहा, ठीक है। तो अब देखो प्रोडक्ट करके कितना आसानी से प्रोडक्ट होगा, a 1 1 में कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, b 1 1, a 1 2 में कौन मल्टीप्लाई हो रहा, b 2 1, a 1 3 में मल्टीप्लाई हो रहा, b 3 1। सबका वैल्यू प्लेस कर दो, देखो a 1 1 में मल्टीप्लाई हुआ 0, 3 में मल्टी 1 2, ये 1 2 एलिमेंट है, ठीक है। 1 2 में कौन मल्टीप्लाई हुआ, -4। 0 में कौन मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा, और फिर सबका एडिशन, मतलब 2 × 0, 3 × -4, और 0 × 2, वैल्यू कितनी हुई, -12। इस तरह से मल्टीप्लाई करना। अगर हम क्या C 2 3 ले सकते हैं, आई का वैल्यू हम 2 ले लें और जे का वैल्यू 3 ले लें, 2 3 लिया जा सकता है क्या। तो अब हम आई जे की बात करेंगे तो सी का ऑर्डर भी तो चेक करना होगा ना, कि सी का ऑर्डर क्या होगा। तो सी का ऑर्डर यहाँ पे 3 और 3 कॉमन है, तो 2/2 ऑर्डर हुआ, सो आई जे का वैल्यू ना 2 को क्रॉस नहीं कर सकता है, सो 2 1 हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो के इक्वल टू 1 और यहाँ पे 3 और ये आपका 2k
और यहां पर बी के वन। देखो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, आप खुद से सोचो मेरे साथ, क्या लिखोगे? के की जगह पे वन ए टू वन बी वन वन, ए टू टू बी टू वन, ए टू थ्री सी थ्री वन बी थ्री वन। पहले हम लोग इसको एक्सपेंड कर लिया, अब देखते हैं ए टू वन क्या है। ए टू वन क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो वन टू, सो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब इस माइनस वन को मल्टीप्लाई करना हम लोगों किससे, बी के वन वन, माइनस वन विल बी मल्टीप्लाइड विथ जीरो, सो माइनस वन इंटू जीरो, टू विल बी मल्टीप्लाइड विथ माइनस फोर, और माइनस टू विल बी मल्टीप्लाइड विथ टू। सो ओवरऑल रिजल्ट क्या मिल गया, माइनस फोर मिल गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग ना मल्टीप्लीकेशन करते हैं मैट्रिक्स का, और ये मल्टीप्लीकेशन अगर आप ध्यान से देखो तो आप फर्स्ट मैट्रिक्स में रो वाइज मूवमेंट कर रहे हो और सेकेंड मैट्रिक्स में आप कॉलम वाइज मूवमेंट कर रहे हो ना। ध्यान से देखो, ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री, ये रो हो गया, और बी वन 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 बी टू वन बी थ्री वन, ये कॉलम की तरह मूवमेंट कर रहा है ना, कॉलम में मूवमेंट कर रहा है। सो हम लोग इस मल्टीप्लीकेशन के तरीके को रो बाय कॉलम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। इस मल्टीप्लीकेशन के तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, रो बाय कॉलम मेथड कहते हैं। ठीक है, सो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन का तरीका हुआ। क्या इस केस में, अच्छा माइनस ट्वेल्व आ रहा है ये भी, सॉरी। ठीक है, बहुत अच्छा हर्षल, ये भी आपका माइनस ट्वेल्व ही आ रहा है। ठीक है, क्या इसी केस में हम लोग बी ए फाइंड कर सकते हैं? कैन वी डिफाइन बी ए हियर और फाइंड बी ए हियर? मतलब b इज पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय a और a इज प्री मल्टीप्लाइड बाय b, सो हम क्या करेंगे, ये फाइंड करने से पहले हम ऑर्डर ना प्लेस कर देंगे, देखेंगे कि ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। अगर ऑर्डर जस्टिफाई हो गया तो डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं। सो b का ऑर्डर है 3/2 और इनका ऑर्डर है 2/3, इसका मतलब 2 और 2 ये कॉमन नंबर है, हट गया है ना, इसका मतलब ये तो सही है, ये मल्टीप्लीकेशन के लिए कंफर्मेबल है, इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो लिखेंगे यस। ठीक है, बी ए इज डिफाइंड। अब हमें अगर फाइंड करना होता, सो फाइंड बी ए मैट्रिक्स, फाइंड बी ए फॉर द अबव ए एंड बी, मैं इनको कॉपी कर लेता हूं, इसी ए और बी के लिए ना बी ए हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, हम बी ए फाइंड करते हैं।
थोड़ा पहले आप लोग 2 मिनट कोशिश कर लो, उसके बाद मैं बीए फाइन करूंगा। देखिए सबसे पहले बी मैट्रिक्स को आप लिख लो यहां पे 0 1 -4 2 2 और -3 इंटू ए मैट्रिक्स लिख लो 2 3 0 -1 2 -2 और बस इतना ही है ना। यहाँ पे जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा वो कितने ऑर्डर का मिलेगा, 3 बाई 3 ऑर्डर का मिल जाएगा, है ना। ये आपका है 3 बाई 2 ऑर्डर का, ये आपका 2 बाई 3 ऑर्डर का, 3 बाई 3 ऑर्डर मिल जाएगा। सो हम एलिमेंट नंबर 1 1 की बात करते हैं, सो रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1, सो 0 इंटू 2 1 इंटू -1 ये हो गया -1। क्लियर, ये देखो रो नंबर 1 को हमने मल्टीप्लाई किया है कॉलम नंबर 1 से, तो हमें क्या मिल गया, 1 1 एलिमेंट मिल गया, बराबर। अब यही स्टेप में किसी और के साथ अगर करता हूं, अगर मैं रो नंबर 3 को मल्टीप्लाई करूंगा कॉलम नंबर 2 के साथ, ठीक है, तो हमें कौन सा एलिमेंट मिल जाएगा, 3 2 एलिमेंट मिलेगा, मतलब थर्ड रो में सेकंड एलिमेंट, मतलब यहां पर का एलिमेंट मिलेगा मुझे। सो ये देखो ये इस एलिमेंट का लोकेशन क्या हो जाएगा आपका, यहां पर का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 विद नेगेटिव साइन, बेसिकली ये 0 आ रहा है, ये 0 हो गया, ठीक है। इस तरह से हर एक एलिमेंट का पोजिशन फिक्स होता है और उनको फिक्स रो और कॉलम से ही फाइंड किया जा सकता है। तो बाकी एलिमेंट हम लोग फिलअप करते हैं, थोड़ा सा फास्ट फिलअप करेंगे, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखो हमें 1 2 चाहिए, सो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2, रो 1 को कॉलम 2 के साथ, उसके बाद 1 3 एलिमेंट जो है आपका वो रो नंबर 1 कॉलम नंबर 3, ये हो जाएगा 0 0 -2। उसके बाद आप सेकेंड रो को फिलअप करना चाहते हैं, सो रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1, ये नहीं हुआ अभी तक, तो -8 और -2 ये -10 हो जाएगा, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2 ये -12 और +4 ये हो गया -8। उसके बाद रो नंबर 2 कॉलम नंबर 3 ये हो जाएगा -4 0 0 और ये -4। फर्स्ट एलिमेंट 3 1 एलिमेंट, सो रो नंबर 3 कॉलम नंबर 1 तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, मेरा 6 के इक्वल हो जाएगा लास्ट वाला एलिमेंट। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुआ, समझ गया। तो इसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना होगा और मैट्रिक्स फाइंड करना होगा। सो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, मल्टीप्लीकेशन बेसिक हमने सीखा है, और आज के क्लास के बाद आप बोर्ड बुक से अभी आप प्रैक्टिस कर लेना, है ना। अगले क्लास से हम लोग टाइप्स पर डिस्कशन करेंगे और इसकी प्रॉपर्टी पर भी डिस्कशन करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, फिर आपका
टाइप्स, टाइप्स ऐसी चीज है जिसको आप ना घर पे रीडिंग कर सकते हो। रीड थ्रू टेक्स्ट बुक्स।